फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत और ट्रेंडी प्रिंटेक्स कुर्ती का डिज़ाइन करना बताने वाली हूँ, जिसमें आपको बहुत ही आइडियाज़ भी मिलेंगे अच्छे अच्छे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ मेरा ये फैब्रिक है, यहाँ मैंने जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। आप जिस भी कॉटन फैब्रिक या लॉन फैब्रिक पर बनाना चाहे बना सकते हैं, यहाँ मैंने जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है। अब ये देखिए, मैंने बैक साइड जो है अपनी कुर्ती का कट करके रख लिया है। जो भी आपका साइज़ होता है, कुर्ती कटिंग की मेरी वीडियो है ऑलरेडी मेरे चैनल पे, आप चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ मेरी कुर्ती की लेंथ 40 लेने वाली हूँ, इसलिए मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा काटा है, 41.5। अब इसे हम साइड में कर लेते हैं और फ्रंट साइड के लिए हमें जो डिज़ाइन करना है उसकी तैयारी करते हैं। ये देखिए, ये मेरा फैब्रिक है, इससे मैं पने में लंबा ही लूँगी। तो यहाँ से हम पहले अपनी कुर्ती की लेंथ निकाल लेते हैं। यहाँ मैं 42 ले लूँगी लेंथ। फोर्टी टू इंचेस पे हम मार्क करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे वीडियो मेरे चैनल पर और भी बहुत सी हेल्पफुल वीडियोस है और अलग अलग पैटर्न की कुर्तियाँ मैंने बताई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ आप जानना चाहते हैं या नॉलेज लेना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो ये देखिए, हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट करके निकाल लिया है। हमारी कुर्ती की लेंथ जो है 40 थी, मैंने यहाँ 42 लिया है, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर हमें जो है चौड़ाई में से 23 इंच पे मार्क करना है। तो यहाँ मैंने 23 इंच पे मार्क कर लिया है। अब 23 इंच के बाद में हमें यहाँ पर 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है, जो हम पिनटेक्स लगाएंगे, टक्स डालेंगे उसके लिए 1.5 इंच पे आपको इस तरह से मार्क करना है। यह हमें टोटल 8 निशान लगाने इस तरह से, जो मार्किंग है हमने 1.5 इंच की है, 1.5 इंच की है, टोटल 8 होनी चाहिए। अब इस साइड भी हमें 23 इंच पे निशान लगाना है। और यहाँ भी हमें सेम 1.5 इंच पे मार्क कर लेना है। तो ये देखिए, हमारी मार्किंग जो है कंप्लीट है। यहाँ पर दोनों साइड हमने 8-8 मार्क किए हैं। अब ये दोनों मार्क को हमें पॉइंट को इस तरह से एक लाइन बना लेना है, मिलाकर स्ट्रेट लाइन। ऐसे ही सारी लाइन हमें बना लेनी है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने बॉल पिन ले ली है और इस तरह से हमें प्लेट्स बनानी है। अगर आप इसमें परफेक्ट है तो आप बिना मार्किंग के भी सेम साइज़ की प्लेट्स बना सकते हैं, या अगर आपका फैब्रिक कॉटन या लॉन होता है तो उसमें भी आप इजीली प्लेट्स बना सकते हैं। इस तरह से आपको सेम साइज़ की प्लेट्स बनाते जानी है। तो चलिए, हम यहाँ पर प्लेट्स लेते हैं। ये देखिए, ये आपको इस तरह से 1/2 इंच की प्लेट्स बनानी है, एक के बाद एक, और सिलाई लगाते जाना है।
यहाँ पर मैंने एक प्लेट्स बना ली है, अब हम यहाँ दूसरी प्लेट बनाएंगे। तो जो हमारी लाइन है वो लाइन को आपको इस तरह से मैच करते जाने हैं और सिलाई लगाते जानी है, तो आपकी बिल्कुल बराबर से प्लेट्स बन के आ जाएंगी यहाँ। ये देखिए यहाँ मेरी प्लेट्स पूरी रेडी है, इसे मैंने आयरन प्रेस कर लिया है तो ये और अच्छी से बिल्कुल जम गई है। अब हमें इस तरह से बीच में सेंटर में से इसे बराबर करना है कपड़े को। और जो हमारा बैक साइड है उसे इसके ऊपर इस तरह जमाएंगे, और सेम हमें बैक साइड के साइज का हमें फ्रंट साइड भी कट कर लेना है। सेम हमें वैसे ही कटिंग करनी है जैसे हमारी बैक साइड की है। सिंपल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर मैंने डाल रखी है कुर्ती की कटिंग, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। ये देखिए मैंने ये कट करके निकाल लिया है फ्रंट साइड भी। अब हमें एक साइड हमने पिनटेक्स डाला है एक शोल्डर के साइड, दूसरे साइड हमारा प्लेन है, तो अब हमें इसे डिज़ाइन करना है। तो आपके पास अगर इस तरह से पैच होते हैं, ये हमें किसी भी टेलरिंग शॉप पर मिल जाते इजीली, लेकिन अगर आपके पास नहीं होते या नहीं मिलते, अगर आपका कोई पुराना ड्रेस है जिसे आप अब नहीं पहनते या फिटिंग उसकी बिगड़ चुकी है, लूज टाइट हो गया और उसका वर्क बहुत अच्छा है, तो आप उसे सोल्डिंग आयरन या फिर सीजर के मदद से कट करके निकाल लीजिए और इसे अपने नए ड्रेस पे लगाकर इस तरह से पैच कर लीजिए, तो आपका जो है नया ड्रेस तैयार हो जाता है। ये देखिए मैंने तीन पैच यूज़ किए इस तरह से, और यहाँ पर मैंने सिलाई से इसे अच्छी तरह पैच कर लिया है सिलाई लगाकर। तो अगर आप लोगों को मेरी ये कुर्ती सिलकर अच्छी लगी हो, ये देखिए मैंने स्लीव्स में भी इस तरह पिनटेक्स किया है, मेरी कुर्ती का डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।